हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मीठी वाली बूंदी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसे बहुत जगह बूंदिया भी कहा जाता है। मुझे तो बूंदी देख के बचपन की याद आ जाती है, जब हम छोटे थे स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी को हमेशा बूंदी मिलते थे, उसके साथ साथ नमकीन वाले भुजिया भी मिलते थे। मीठी वाले बूंदी दो टाइप के होते हैं, एक ड्राई रहता है और दूसरा रस भरे रहता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो रस भरे वाले रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मीठी वाले बूंदी की रेसिपी। मीठी वाले बूंदी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है, 1 कटोरी चीनी लिया हुआ है और ये ऑरेंज फूड कलर लिया हुआ है। सबसे पहले हम बूंदी का बैटर रेडी करके रख देते हैं, क्योंकि उसे हमें आधे घंटे तक रेस्ट पे भी रखना पड़ेगा। तो बूंदी का बैटर बनाने के लिए हम बेसन में डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल डालने से बूंदी जो है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। पहले तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसमें सोडा बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये रस वाले बूंदी है, तो जैसे ही आप चाशनी में डालेंगे तो ये अपने आप फूल जाएंगे। अब इस पर हम ऐड करेंगे पानी। एक साथ सारा पानी मत डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, और जैसे ही आप पानी डालें उसके साथ साथ बेसन को मिक्स भी करते रहें। आप विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक साइड से हम पानी डालेंगे और दूसरे साइड से इसे मिक्स करते जाएंगे, ताकि बेसन में गुठलियाँ ना बन जाएं। अब ये देखिए, बूंदी का बैटर हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है आपको ऐसे ही रखना है, जैसे हमारा डोसा बैटर होता है उससे थोड़ा सा पतला। अब बूंदी को कलरफुल बनाने के लिए इसी बैटर में से थोड़ा सा बैटर 1 कटोरी में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 4 चम्मच निकाल दिए हैं 1 कटोरी में, क्योंकि येलो वाले बूंदी के बीच में एक एक ऑरेंज वाले बूंदी जब आएगा तो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब इस पे मिलाएंगे ऑरेंज फूड कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ऑरेंज कलर हो गया है ऑलमोस्ट। अब इन दोनों बैटर को ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। जब तक आधा घंटा ना हो जाए तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस पे बिठाते हैं कढ़ाई, इस पे डालते हैं लिया हुआ चीनी, जो हमने 1 कटोरी चीनी लिया हुआ था वो डाल देते हैं। अब इस पे डाल देते हैं 1/2 कटोरी पानी। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और इसे छोड़ देते हैं थोड़ा उबलने के लिए। अब ये देखिए, चीनी पानी के साथ बिल्कुल घुल चुका है और उबलने भी लगा है। ये जो चाशनी है इसे हमें बिल्कुल तार वाली नहीं बनानी है, बिल्कुल पतली वाली चाशनी बनानी है। चीनी और पानी अच्छे से उबल रहा है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 1/2 कटा हुआ नींबू का रस। अगर आप बिल्कुल ड्राई वाले बूंदी बना रहे हैं तो आप यहाँ पे नींबू ना निचोड़ें। इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, चाशनी में अभी तक कोई तार नहीं बना है और ये ऑलमोस्ट बन के तैयार भी हो चुका है। अब गैस को कर देते हैं बंद। 1/2 घंटा हो चुका है और बैटर भी हमारा बिल्कुल रेडी है। हम दोनों की कंसिस्टेंसी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ऑरेंज वाले की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और ये रहा येलो वाले की कंसिस्टेंसी। अब बूंदी फ्राई करने के लिए गैस पे बिठा देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए इस पे डाल देंगे तेल। तेल थोड़ा अच्छे क्वांटिटी में डालिए, क्योंकि आपको फ्राई करना है। बूंदी फ्राई करने के लिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गोल गोल बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है छेद वाले जाली, इसी को ही मैं यूज़ करूँगी बूंदी बनाने के लिए।
अब तेल में थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए, जैसे ही हमने बैटर डाला तो हमारा जो बूंदी है वो अपने आप ही ऊपर आ गया है। इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इस बूंदी को निकाल लेते हैं तेल में से। अब तेल के ऊपर छेद वाली जाली को रखिए, थोड़ा सा बैटर लीजिए और उसे गोल गोल घुमाते जाइए, बिल्कुल ऐसे ही। एक साथ बहुत ज़्यादा बैटर मत डालिए, नहीं तो बूंदी एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। और बैटर डालने के बाद इसे गोल गोल घुमाते भी जाइए। अब बस ऑलमोस्ट छेद में से बैटर निकलना बंद हो चुका है। जाली को हटा लीजिए तेल में से और बूंदी को छोड़ दीजिए तेल में थोड़े टाइम के लिए क्रिस्पी होने के लिए। लगभग 2 से 3 मिनट तक आप तेल में छोड़ दीजिए बूंदी को, ताकि वो अच्छे से थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब तेल में से सारे के सारे बूंदी हम छान के निकाल लेंगे। दिखने में तो ये बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं, जब ठंडा हो जाए हम चेक भी कर लेंगे। ऐसे ही जितना भी बैटर हमारे पास है उनमें से थोड़ा थोड़ा जाली में डालकर हम बूंदी बना लेंगे। एक बात का ध्यान रहे फ्रेंड्स, एक बार जाली को यूज़ करने के बाद जब आप दूसरी बार यूज़ करें उसे जाली को अच्छे से साफ कर लें, नहीं तो जो बूंदी है वो गोल गोल नहीं निकलेंगे। अब येलो वाले बूंदी तो मैंने फ्राई करके रख लिए हैं, अब बारी है ऑरेंज वाले बूंदी की। छेद वाले जाली के ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज वाला बैटर डाल लेते हैं और इसे भी बिल्कुल वैसा ही गोल गोल तेल के ऊपर घुमाते जाएंगे। इसे भी तेल में छोड़ देंगे 2-3 मिनट तक फ्राई होने के लिए और 2-3 मिनट के बाद ऑरेंज वाले बूंदी को भी तेल में से निकाल लेंगे। तो मेरे पास जितने भी बैटर थे सभी से मैंने बूंदी बना लिए हैं। अब बूंदी क्रिस्पी हुए हैं कि नहीं चेक करने के लिए इसी बूंदी में से, ये देखिए, मैं एक बूंदी को तोड़ के चेक करती हूँ। ये बिल्कुल क्रिस्पी हुए हैं, देखिए जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसे दबाया तो ये बिल्कुल टूट रहे हैं। बूंदी बन के बिल्कुल तैयार है। अब बने हुए चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे गैस में, फिर धीरे धीरे करके सारे के सारे बूंदी इस पे डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे के सारे बूंदी में चाशनी लपेट जाए। अब ऊपर से डालेंगे इलायची पाउडर और इसे ढक के रख देते हैं आधे घंटे के आसपास। आधे घंटे के बाद ये देखिए बूंदी कैसे हमारे फूल गए हैं। एक को प्रेस करके भी मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे ही मैं इसे दबा रही हूँ बूंदी के अंदर से चाशनी निकल के आ रही है और बूंदी भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो ये बनके तैयार है मीठी और रस भरे वाले बूंदी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में जो हमेशा बोलती हूँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।